नमस्कार दोस्तों, आज अपन देखेंगे जेनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सेक्स लिंग इनहेरिटेंस, यानी लिंग संलग्न वंशागति। साथियों, अपन जानते हैं कि व्हाट इज इनहेरिटेंस या वंशागति क्या होती है। तो अपन जानते हैं कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति कहलाता है। यहाँ पर है सेक्स लिंग। सेक्स लिंग का यह मतलब हुआ कि सेक्स क्रोमोजोम के साथ अगर कोई इनहेरिटेंस होती है तो उसको सेक्स लिंग इनहेरिटेंस कहते हैं। अपन जानते हैं कि मनुष्य के अंदर 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, उसके अंदर 44 ऑटोजोम्स कहलाते हैं और दो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। इन सेक्स क्रोमोजोम्स के ऊपर अगर कोई सोमेटिक कैरेक्टर साथ में है तो ऐसे जीन्स को सेक्स लिंक कैरेक्टर्स कहते हैं, ऐसे जीन्स को सेक्स लिंक जीन्स कहेंगे और ऐसे इनहेरिटेंस को सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले थॉमस मॉर्गन ने दिया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। अपन जानते हैं कि ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, उसमें 44 ऑटोसोम्स कहलाते हैं, दो सेक्स क्रोमोजोम। फीमेल के अंदर 44 प्लस XX होते हैं, मेल के अंदर 44 प्लस XY होते हैं। तो इन सेक्स क्रोमोजोम्स के ऊपर अगर कोई सोमेटिक जीन्स पाया जाता है तो वो भी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होगा। ऐसी वंशागति को सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं। क्योंकि सेक्स क्रोमोजोम दो होते हैं तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस भी दो प्रकार की होगी। पहली है डायंड्रिक या एक्स लिंक ट्रेट। ऐसी वंशागति जो एक्स क्रोमोजोम्स के ऊपर स्थित होती है, ऐसे जीन्स जो एक्स क्रोमोजोम पर स्थित होते हैं, ऐसे जीन्स को एक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं और ऐसी वंशागति को एक्स लिंक्ड या डायंड्रिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इनके वाई क्रोमोजोम से इनका कोई संबंध नहीं होगा। ऐसे इनहेरिटेंस को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स फादर से डॉटर के द्वारा होते हुए उसके पुत्र में जाते हैं। दूसरी है होलेंड्रिक या वाई लिंक ट्रेट। ऐसे जीन्स जो केवल वाई क्रोमोजोम्स पर पाए जाते हैं, ऐसी इनहेरिटेंस को वाई लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइपर ट्राइकोसिस या कानों के अंदर जो बाल पाए जाते हैं वो होलेंड्रिक या वाई लिंक इनहेरिटेंस कहलाएगी। जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, ये हाइपर ट्राइकोसिस है, ये केवल मेल में ही पाई जाएगी, इसमें ये फीमेल के अंदर इसका कोई संबंध नहीं होगा। अब देखेंगे अपन डिटेल एक्स लिंक इनहेरिटेंस के बारे में। सेक्स लिंग या एक्स लिंग इनहेरिटेंस इन मेन। मेन के अंदर एक्स लिंग इनहेरिटेंस के दो महत्वपूर्ण उदाहरण है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। तो सबसे पहले अपन हीमोफीलिया की इनहेरिटेंस देखेंगे। इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन या मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। अगर चोट लग जाती है तो रुधिर निरंतर बहता रहता है और उसके अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। इसीलिए इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं और इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया इसकी वाहक पाई गई रॉयल फैमिली में। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। मनुष्य के अंदर ये तीन कंडीशन हो सकती है। फीमेल के अंदर दोनों, फीमेल में दो एक्स क्रोमोजोम होते हैं, दोनों के ऊपर जीन्स अगर कैपिटल है तो ये फीमेल नॉर्मल होगी। अगर एक के ऊपर कैपिटल और एक पर स्मॉल है तो ये कैरियर होगी, और अगर एक एक्स क्रोमोजोम, दोनों एक्स क्रोमोजोम पर स्मॉल एच है तो वो हीमोफिलिक होगी। ऐसे मेल में दो जीनोटाइप कंडीशन हो सकती है, या तो एक्स के ऊपर कैपिटल एच या स्मॉल एच, क्योंकि ये एक्स लिंक इनहेरिटेंस है। अगर कैपिटल एच है तो डोमिनेंट, तो ये मेल नॉर्मल मैन होगा, और अगर इस पर स्मॉल एच है तो ये हीमोफिलिक होगा। अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे पहली कंडीशन है, अगर कोई एक नॉर्मल फीमेल एक हीमोफिलिक मेन से शादी करती है तो उनके बच्चों के अंदर किस प्रकार का रेशियो रहेगा, हीमोफिलिक होने के क्या चांस रहेंगे। तो यहाँ पर अपन प्रॉब्लम आई, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल कैसी होगी, एक्स एक्स और दोनों के ऊपर कैपिटल एच होंगे, और हीमोफिलिक मेल जो होगा वो स्मॉल एच होगा एक्स के ऊपर। इनके गैमेट्स बनेंगे और ये चेकर बोर्ड के द्वारा देख सकते हैं कि एक्स एक्स ये नॉर्मल फीमेल होगी लेकिन कैरियर होगी, ये भी नॉर्मल फीमेल होगी, नॉर्मल डॉटर होगी। ये जो दो बच्चे लड़के जो होंगे ये दोनों नॉर्मल होंगे, क्योंकि इस पर कैपिटल एच आ रहा है। तो इसीलिए इस कंडीशन में 100% बच्चे जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। दूसरी कंडीशन देखते हैं, उल्टा करते हैं इसको। अब अगर कोई हीमोफिलिक वुमेन जो होती है एक नॉर्मल मेन से शादी करती है तो क्या कंडीशन होगी। हीमोफिलिक वुमेन का मतलब हो गया एक्स एक्स, दोनों पर स्मॉल एच गैमेट्स बनेंगे। नॉर्मल मेन का मतलब कैपिटल एच एक्स के ऊपर,
गैमेट्स बनेंगे, इससे चेकर बोर्ड बनाया, चेकर बोर्ड बनाया तो डॉटर जो होगी ये नॉर्मल होगी, लेकिन कैरियर होगी ये भी नॉर्मल होगी। इसमें दोनों लड़के जो होंगे वो हीमोफिलिक होंगे, क्योंकि यह स्मॉल एच आ रहा है, तो इसीलिए ऐसी कंडीशन में हीमोफिलिक होने के चांसेस 50% होंगे और लड़कों के अंदर हीमोफीलिया होने के 100% चांस होंगे। दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस भी हीमोफीलिया की तरह ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के द्वारा इनहेरिटेंस होती है। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कॉमन है, इस रेड ग्रीन रेड कलर ब्लाइंडनेस को प्रोटोनोपिया कहते हैं और ग्रीन ब्लाइंडनेस को ड्यूटेरोनोपिया कहते हैं। ये भी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है और इसकी भी इनहेरिटेंस हीमोफीलिया की तरह ही होगी। ये जो अपन ने प्रॉब्लम्स देखी थी इससे अपन फॉलोइंग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो इट इज मोर कॉमन इन मेन देन फीमेल्स, फीमेल के बजाय ये मेल में ज्यादा कॉमन है, क्योंकि फीमेल में होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोजोम पर स्मॉल एच या स्मॉल सी चाहिए, जबकि मेन में होने के लिए केवल एक ही रेसेसिव जीन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इट इज मोर कॉमन इन मेन। दूसरा है दो, ये इसी का एक्सप्लेनेशन है कि दो जीन्स की जरूरत होती है फीमेल में होने के लिए। दूसरा इस मेल नेवर कैरियर्स, इन दोनों डिजीज के कभी भी मेन जो है कभी भी कैरियर नहीं होंगे, कैरियर केवल फीमेल होती है। तीसरा ये जो दोनों होती है ये हमेशा कलर ब्लाइंडनेस, वुमेन ऑलवेज हैव कलर ब्लाइंड फादर एंड ऑलवेज प्रोड्यूस कलर ब्लाइंड सन। अगर कोई कलर ब्लाइंड वुमेन है या हीमोफिलिक वुमेन है तो उसके फादर हमेशा कलर ब्लाइंड या हीमोफिलिक होंगे और उनके कलर ब्लाइंड या हीमोफिलिक बच्चे पैदा होंगे। तो इस प्रकार ये अपन कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। थैंक्स।